क्या होगा इस मोहब्बत का एंड? बहुत सारे लोग यही पूछते हैं। हम जानते हैं कि भाई शिप्रा बेइंतहा मोहब्बत करने लगी है फजल बख्श के साथ। इनफैक्ट अगर फजल बख्श का राज फजल बख्श खुद बता देता तो हो सकता था कि शिप्रा इस चीज़ को माफ़ कर देती, मगर ये राज खोले कि आके महरीन, मतलब महरीन जो है वो शिप्रा को बार बार बुला रही है ना कि तुम मेरे घर आना चाय पर, और मैं तुम्हारे साथ जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे औरतों को इंसाफ मिले। आप लोग जानते हैं ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन महरीन ने बहुत इंसल्ट करवानी है शिप्रा की। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सुकैना और इसका शोर जो है वो शिप्रा को करेक्टर बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुकैना जानती है कि फजल बख्श अच्छा लड़का है। सुकैना ने और इसके शोहर ने जो है ना वो शिप्रा के दिल में मोहब्बत डालनी है दोबारा से शमीर के लिए। अभी यहाँ फजल बख्श की सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन यहाँ पर जब महरीन आएगी तो वो यहाँ पर शिप्रा को ये बात कहेगी कि फजल बख्श जान बूझ के फजल बख्श बन के आया, एक्चुअल में वो शमीर है, वो तो अपना बदला ले रहा है।